पेंशन समाज के वार्षिक उत्सव के अंदर हमारे बीच में राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य स्वायत्तता संसदीय कार्य मंत्री कानून मंत्री माननीय शांति धारीवाल जी, कोटा के दक्षिण विधायक माननीय संदीप शर्मा जी, लाडपुरा की माननीय विधायिका श्रीमती कल्पना देवी जी, राजस्थान पेंशनर समाज के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय शंकर सिंह जी, कोटा जिला पेंशन समाज के जिला अध्यक्ष श्री रमेश गुप्ता जी, डॉक्टर पूर्वा अग्रवाल जी, लोकेंद्र सिंह जी, जीके मीना जी, माननीय आरपी गुप्ता साहब, हरिसुदन जी, चंद्र सिंह जी और सभी मंच पे विराजे अतिथिगण जो कोटा जिले के अलग अलग तहसील के अध्यक्ष हैं और कोटा जिले के सभी पेंशन समाज को मैं प्रणाम करता हूं। आपका हमेशा एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिला है, प्रेरणा मिली है। जब भी मैं आपके बीच में आता हूं तो मुझे लगता है कि आप मेरे मार्गदर्शक हैं और आपकी उसी ऊर्जा उसी प्रेरणा से मेरी कोशिश होती है कि आपकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं पर खरा उतरो। मेरे पिताजी भी पेंशनर्स थे और उनके कई साथी अभी भी लगातार इस अधिवेशन में आते रहते हैं, इसलिए पिता तुल्य प्यार मुझे यहां पर बरसों से मिला है और मेरी जो भी कुछ राजनीति यात्रा के अंदर जो कुछ भी योगदान हुआ है इस योगदान में विशेष रूप से पेंशन समाज का योगदान रहा है। आप सबने अपनी जिंदगी के अंदर अपने जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन इस देश और इस राज्य के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में लगाए हैं और जब हम लोकतंत्र की 75 वर्ष की इस यात्रा से गुजर रहे हैं तो इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर आज राजस्थान जो भारत का विकास हुआ है उसमें आप जैसे मनुष्यों का योगदान है जिन्होंने समर्पण निष्ठा ईमानदारी से सेवा करकर राजस्थान और देश को इसी ऊंचाई पर पहुंचाया है। मुझे याद है कि जब आपने सेवाएं शुरू की उस समय गांव में रोड हुआ नहीं करते थे, पीने का पानी नहीं हुआ करता था, कई गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी, आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद भी उस कठिनाइयां उस चुनौतियों के बाद भी आपने उस गांव में जाकर लोगों को शिक्षा देने का काम किया और आज अगर देश के अंदर 80% से ज्यादा साक्षरत हैं तो आप सबके प्रयासों के कारण है। जिस जिस राष्ट्र में प्रदेश के अंदर शिक्षा पहुंची है वहां पर समाज में एक व्यापक परिवर्तन आया है और मुझे याद है कि कई महिला शिक्षक यहां बैठी है जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, किस विकट परिस्थितियों के अंदर अपने परिवार को छोड़कर और दूसरे के
जीवन में उजाला करने का काम किया। और इसी तरीके का एक दीपक की तरह आपने चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे समाज के दुबे कचले गरीब व्यक्तियों को सामाजिक कल्याण के द्वारा, सामाजिक योजनाओं के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन करने का काम किया हो, चाहे रोड हो, नदियां हो, तालाब हो, बांध हो, के अंदर भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी आपदा हो, कोई भी संकट हो, उस आपदा संकट के अंदर भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इसीलिए जब मैं आपके बीच में आता हूं और मैं आपको देखता हूं कि आप में अभी भी उतनी ऊर्जा है, अभी भी उतना उत्साह है, अभी भी उतना आत्मविश्वास है। कई चिकित्सक में यहां बैठे हुए, कई नर्सिंग स्टाफ यहां पर बैठे हैं, आपके सहयोग से कितने लोगों की जिंदगियां बची होगी। कोरोना के समय हमारे नर्सिंग स्टाफ हो, डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, फोर्थ क्लास कर्मचारी हो, सबने जिस तरीके से भारत में अपनी जान जोखिम डालकर लोगों की जिंदगियां बचाई, इसीलिए तो चिकित्सक वर्ग को भगवान का दर्जा दिया जाता है। ये एक लंबी विकास की यात्रा के अंदर आपने अपने अलग अलग विभागों के अंदर एक लंबी समय आपकी सेवा की है। और उसके बाद भी आज भी जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो मुझे लगता है अभी भी आप कोटा के विकास में, राजस्थान के विकास में और समाज में हम क्या परिवर्तन ला सकते हैं, सामाजिक आर्थिक जीवन में क्या परिवर्तन कर ला सकते हैं, उसके लिए आप भी आज भी सेवा देने को तैयार हैं। और जब भी आपसे मेरी चर्चा होती है तो आप कहते हैं कि हम समाज के उन लोगों को जो योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं, जो सरकारी दफ्तर के अंदर जाते हैं लेकिन उनको ठीक से जानकारी न होने के कारण उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, उन सबको हम सेवाएं देना चाहते हैं। आप कहते हैं दूर दराज इलाकों के अंदर, गरीब कच्ची बस्तियों के अंदर जहां के बच्चे नहीं पढ़ने जाते, वहां पर शिक्षा देने का, चिकित्सा देने का काम आप कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आपके इसी उत्साह से इस उम्र के अंदर भी आप में जो उत्साह है, जो काम करने की आपकी निष्ठा है, उससे लगता है कि आप जैसे लोगों के कारण ही भारत आज लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मैं कई बार देखता हूं कि राजनीतिक नेता तो 60 साल के बाद भी जवान नजर आता है और उसकी इच्छा रहती कि मैं लगातार सेवा करता रहूंगा, लेकिन उसके बाद भी, लेकिन आप सरकारी सेवा में होने के बाद भी, समाज को सारी जिंदगी को देने के बाद भी आप अभी भी कहते हैं कि हम निशुल्क रूप से, निस्वार्थ भाव से अभी भी समाज की सेवा के लिए तत्पर हैं। और इसीलिए रमेश जी गुप्ता साहब से मेरी कई बार चर्चा हुई है कि किस तरीके से हम अलग अलग विभाग वाइज जो लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं उनकी कार्य योजना बनाए, ताकि किस तरीके से हम कोटा के विकास की योजनाएं बना सके और समाज के अंदर लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन ला सके, इसके आपके लिए लगातार सेवाएं रहती है। मुझे पता है कि इस उम्र में आपके सामने कई कठिनाइयां रहती है, चुनौती रहती है, रमेश जी गुप्ता ने बताया, लेकिन उन चुनौतियों कठिनाइयों से लड़ने का आत्मविश्वास आप में है। मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, कभी भी मेरे लायक कोई भी सेवा हो, किसी भी स्तर की सेवा हो, मैं हमेशा तैयार हूं। कभी भी कोई भी देश के अंदर, राज्य के अंदर, कभी मेडिकल के लेकर या कोई भी काम पड़े, किसी भी राज्य में, किसी भी प्रदेश के अंदर कभी भी कोई भी ऐसा काम हो, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार हूं। मुझे आशा है कि जो मांगे थी, जो विषय थे राज्य सरकार से संबंधित, वो माननीय मंत्री जी ने आपको आश्वस्त किया है
कि उन बातों को सरकार सहानुभूतिपूर्ण विचार कर रही है। मैंने भी आपकी भावनाओं को उन तक पहुंचाया है, राज्य के मंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हमारी भावनाएं पहुंचाएंगे, और जो कुछ भी और गैप है उसमें क्या क्या राज्य सरकार कर सकती है उसके लिए करें। और निश्चित रूप से कोई भी सामाजिक काम हो, कोई भी किसी तरह का काम हो, आप लोग काम करें। मैंने अभी रमेश जी को कहा, एक अच्छी एक लाइब्रेरी है, हम वहाँ पर अपने पेंशन भवन में बनाते हैं। उस लाइब्रेरी के अंदर लगातार लोग रिसर्च चलते रहे, अभी अपूर्वा जी ने किताब लिखी ऐसे। उस लाइब्रेरी में मैं संसद की लाइब्रेरी और पेंशन समाज की लाइब्रेरी को एक साथ कनेक्ट कर दूंगा, ताकि संपूर्ण आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद, देश की लोकतंत्र की यात्रा और जितनी भी किताबें, लाखों किताबें हैं, वो आप यहाँ पर पढ़ सकें। और फिजिकल रूप से भी जो भी लाइब्रेरी के अंदर होगा, एक श्रेष्ठ पुस्तकालय अपन यहाँ पर पेंशन भवन में बनाएं, ताकि बुजुर्ग लोग आकर यहाँ पर पढ़ें, अध्ययन करें, आवश्यकता हो तो घर पे किताब ले जाएं, अपन उसमें डाल देंगे। जैसे हमने संसद के अंदर ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की है, अपने आप ही उस किताबों का अध्ययन अध्यापन इस उम्र में लोग करते रहते हैं, उससे समय भी, टाइम भी पास होता है, और उस जानकारी के बाद उस जानकारी का लाभ समाज को ही मिलता रहता है। मुझे आशा है आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहेगा, समय समय पे जो कुछ भी जिंदगी के आपके अनुभव हैं उन अनुभव का लाभ आप मुझे लिख कर दें, व्यक्तिगत मिलकर दें, ताकि किस तरीके से आपके अनुभव के आधार पर हम कोटा का विकास कर सकते हैं, राजस्थान का विकास कर सकते हैं, और संसद के अंदर भी, कार्रवाई के अंदर भी, जो कुछ भी आपके अनुभव हैं, किस तरीके से हम देश के लोकतंत्र को और सशक्त कर सकें, और मजबूत कर सकें, और पारदर्शी बना सकें, और जवाबदेही बना सकें, ताकि एक सकारात्मक परिवर्तन इस देश में आए। आप सभी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।